नागेश्वर ने बताया कि जितनी भी नेगेटिव कमेंट्स और नेगेटिव ट्रोलिंग यहाँ पे प्रवास के बारे में हो रहे हैं सब कल्कीटू में बंद होने वाले हैं। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और एपिसोड में। और सेम चीज अब ट्रेंड हो चुका है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो पे आप लोगों को बताया था कि सिर्फ सुर्खियों में आने के लिए ये सब यूज किया जा रहा है। इसको लेकर तीन बड़े बड़े लोगों ने यहाँ पे अपना कमेंट्स दिया है साउथ की तरफ से, तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ये कंट्रोवर्सी जितना बड़ा होता जा रहा है उतना उतना जो है उनको पब्लिसिटी मिल रहा है। कंट्रोवर्सी का डिफरेंट पार्ट जो है आ चुका है और तीन बड़े लोगों ने प्रवास के बारे में अपना ओपिनियन अपना राय दिया है। और सबसे बड़ा जो राय निकल के आया है, नागेश्वर रिसेंटली कल्कि को डायरेक्ट किए थे और उनका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट अब निकल के आ चुका है। उनका ऐसा मानना है कि जितने भी लोग इस चीज़ को लेके आगे बात कर रहे थे और मुकेश खन्ना ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा था, बट द वे जो जिस तरह से वो बात कर रहे थे वो एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ था, बट अरशद वारसी की जो कमेंट था वो कहीं ना कहीं डिनोट कर रहा था कि वो लोग नेगेटिव में ही बात कर रहे हैं। और नागेश्वर ने अपना पॉइंट रखते हुए ये बात बताया है कि जितनी भी ट्रोलिंग्स वगैरह कर रहे हैं अरशद वारसी के कमेंट के बाद, बहुत सारे जो फैन क्लब हैं बॉलीवुड के सो कॉल्ड, उन्होंने बताया है कि नॉर्थ साउथ करके इस चीज़ को बैटल करके कुछ टाइम के लिए व्यूज़ और लाइक्स लेना ही काम है। और जितने भी लोग इस चीज़ को लेकर ट्रॉल कर रहे हैं कि आदि पुरुष में, और मोस्टली जो लोग एनकाउंटर कर रहे हैं आदि पुरुष की वो लूप को लाके इधर उधर ज्वाइंट करके फिर अरशद वारसी को अच्छा दिखाना और प्रवास को बोलना कि ये नेपोकिड है, क्योंकि बॉलीवुड हमेशा से एक ही चीज़ करता आया है, कोई भी आगे बढ़ेगा उसके बारे में नेगेटिव वो लोग कमेंट करेंगे या फिर उस चीज़ को दबाएंगे, क्योंकि गोट को लेकर भी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है। मल्टीप्लेक्स को लेकर कुछ कमेंट निकल के आया है जो कि हम अगले वीडियो में जो है डिस्कवर करने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।